दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराकर जैसे ही सेमीफाइनल से बाहर का रास्ता दिखाया तो बाबर रिजवान के पूरी पाकिस्तान फूट फूट कर रो पड़ी। तो वहीं टीम इंडिया के लिए अब सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। तो आखिरकार कैसे इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बेरहमी से धोया, कुदरत के निजाम के बिना कैसे पाकिस्तान दो ओवर भी इंग्लैंड के सामने टिक नहीं पाई, आखिर क्यों पाकिस्तान की हार के बाद भारत में जमकर जश्न मनाया गया, सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा इस बार वर्ल्ड चैंपियन, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों पाकिस्तान तो बड़े ही जोश के साथ इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरा था। उन्हें लगा था कि वो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 450 रन बनाएंगे और बड़ी शान से सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। कुदरत का निजाम उनका साथ देगा, लेकिन किस्मत भी कमजोरों का नहीं बल्कि बहादुरों का साथ देती है और पाकिस्तान कितनी कमजोर टीम है ये तो सभी जानते हैं। सबसे पहले तो उन्हें टॉस जीतना था लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। जैसे ही सिक्का उछला इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर के पक्ष में रहा और उन्होंने सीधे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला दिया। बस फिर क्या था, 99.99% तो पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर ही हो चुका था। हालांकि फिर भी बड़बोले बाबर ने कह दिया कि हम अभी भी जीत सकते हैं, हमारे पास मजबूत बॉलिंग है और हम इंग्लैंड को जल्द से जल्द आउट करेंगे। लेकिन इंग्लैंड भी यह सुनकर हंस रहा था और उनके बल्लेबाजों ने मैदान में उतर कर ऐसी तबाही मचाई कि 12 ओवरों में ही 80 रन बना डाले। तो फिर तहलका मचाते हुए 50 ओवर में 337 रन बना डाले। बस फिर क्या था, इतना बड़ा लक्ष्य देखकर तो पाकिस्तान के पसीने छूट गए। और रही मजे की बात तो ये उन्हें केवल 7 ओवरों में हासिल करना था जो कि नामुमकिन था, यानी कि पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप से बाहर ही हो गया था। हालांकि उन्हें अपनी लाज बचाने का मौका मिला था, वो इस लक्ष्य को हासिल कर अपना टूर्नामेंट जीत के साथ खत्म कर सकते थे, लेकिन वो तो पाकिस्तान है, उन्हें अपना मजाक बनवाना बखूबी आता है। केवल 100 रनों पर ही 4 पाकिस्तानी बल्लेबाज ढेर हो गए, यहाँ तक कि उनके किंग बाबर आजम से लेकर मोहम्मद रिजवान भी कुछ नहीं कर पाए। और बड़ी बेरहमी से इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा कर न केवल उन्हें सेमीफाइनल से बाहर का रास्ता दिखाया बल्कि उनकी जमकर बेइज्जती भी करी। उसके बाद तो जहाँ पूरा पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है तो वहीं पाक खेमे में तो मातम का माहौल था। उनके खिलाड़ी भी आंसू बहाने को मजबूर हो गए थे, हर तरफ केवल निराशा थी। तो वहीं जश्न था तो पूरे हिंदुस्तान में, एक तो दिवाली है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की हार के हार से बड़ा जश्न और क्या हो सकता है। जहां अब इंडिया के लिए यह भी खुशखबरी है कि हमारा पाकिस्तान से मुकाबला नहीं होगा। हालांकि पाकिस्तान को हम आसानी से धूल चटा सकते थे लेकिन पाकिस्तान की हार देखने से बड़ा सुख एक भारतीय के लिए और क्या हो सकता है। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि क्या टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड चैंपियन बनेगी, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।